दर्शन न्यूज। बिहार में लालू यादव व तेजस्वी यादव के साथ ईडी ने घंटों की पूछताछ। इधर प्रशांत किशोर बोले, जेडीयू राजद से पूछना चाहिए कि पार्टी चलाने के लिए कहां से आ रहा है पैसा। जन सुराज के लिए हमने 10 सालों में मदद की, वहां से आ रहा है पैसा। पटना में बीते दिनों लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ की। वहीं झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन से भी जमीन घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ की। इसके बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। इधर बेगूसराय में जन सुराज की पद यात्रा को लेकर फंडिंग कहाँ से आ रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन से हम पद यात्रा कर रहे हैं, पहले दिन से हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग पूछते हैं कि पद यात्रा के लिए पैसा कहां से आ रहा है। ये सही सवाल है, ये पैसा वहां से आ रहा है जहां हमने बीते 10 सालों में जिनके राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकार है जिन्हें जिताने में, सरकार बनाने में हमने कंधा लगाया है। मेरे भाई ऐसा है, आप आपने कहा कि आप हमको सुनते रहे, आपने सुना नहीं है कभी, क्योंकि जिस दिन से हम ये पदयात्रा चला रहे हैं उस दिन से हर प्रेस वार्ता में आप पहले बेतुका पूछने वाले नहीं हैं। ये बेतुका सवाल नहीं है, तो बिल्कुल सही सवाल है। हर पत्रकार, हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग ये पूछते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। उसका जवाब ये है कि ये पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 वर्षों में हमने राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां उन लोगों की सरकारें हैं जिनको सरकार बनाने में, जीतने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को यह लगता है कि अच्छा, जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहा है। नहीं, पैसा वो कोई नेता नहीं देता है, कोई दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में भी आप किसी को सरकार बनाने में मदद करेंगे उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग होते हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयासों में यकीन है, लोग वो मदद कर रहे हैं। तो उन राज्यों में जहां मैंने काम किया पिछले 10 साल में, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया, उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग पैसा दे रहे हैं और उसी पैसे से ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है। सर, एक सवाल है, एक बात, आप ये बेतुका सवाल, एक ये बेतुका सवाल अगली बार जदयू से और राजद से भी जरूर पूछिएगा। पत्रकार और मास कॉम के एथिक्स की आपने बात की है, मैं एक बार अपना फुटेज हमको दिखा दीजिएगा जिसमें आप ये पूछ रहे हो तेजस्वी यादव से कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है, अपना बर्थडे एरोप्लेन चार्टर्ड प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है, नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है। ये सवाल अगर आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे और खुशी होती, लेकिन आप हमसे सवाल पूछिए, आपका हक है, हमको जवाब देना भी चाहिए, लेकिन ये जवाब सबसे मांगा जाना चाहिए, सिर्फ जनसुराज से। दूसरा न दे तो भी मैं दूंगा, सुनिए, दूसरा कोई न जवाब दे फिर भी मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी पूछिएगा, यहां पर डॉक्टर तनवीर से भी पूछिएगा और नीतीश कुमार लालू यादव से भी पूछिए, तेजस्वी यादव से, कि आप लोग जो राजनीति करते हैं, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि दूसरे राज्य में जिसका मदद किए थे वो पैसा दे रहा है, और बिहार में तो कम से कम कोई खड़ा होकर माइक लाल नहीं कह सकता है कि हमने एक रुपया भी किसी से लिया है जीवन में, लेकिन राजद और जदयू को पैसा कौन दे रहा है, इस पर भी मैं सोचता हूं कि पत्रकारों को इतनी हिम्मत तो जरूर होनी चाहिए कि एक बार पूछ के तो दिखाइए। जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, सुनिए, ऐसा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाइए। लालू नीतीश तेजस्वी से तो आप पूछ भी नहीं पाइएगा क्योंकि वो आपको पूछने नहीं देंगे, कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि तुम्हारे पास पैसा कहां से आया। क्या आपको कमर और कमर के नीचे दोनों या एक पैर में दर्द या झिनझिनाहट रहता है या नसों में होती है दर्द, तो आपको साइटिका हो सकता है। अब पाएं सटीक इलाज, जल्द संपर्क करें सत्येंद्र प्रसाद, ग्राम पुष्ट बरेजा, थाना माझी, जिला सारण, बिहार, या अभी संपर्क करें, मोबाइल नंबर है 9931252609।